यही बोल रहे हैं। देखो जी आया है भैया मारकपुर गांव में, आपको एक रूना जूटा दिखाना है। देखो जी कटड़े की पहले कंडीशन देखो आप एक बार, कटड़े का चारों तरफ से व्यू करते हैं। आइयो कर भाई थोड़ा तक यहाँ से आ रहा था। देखो जी पहले कटड़े के पूछते पर नज़र मारो। और भैया आज हमें छोटू भाई घर लाए हैं बुला के कि भैया कटड़े की वीडियो बनाओ। और भैया को भैया का ना चैलेंज डाल लेंगे अपने ही गांव के कटड़े पे। तो भैया आज तक हमने चैलेंज की देखो वीडियो गेरी तो है नहीं, पर लेकिन आज हमारे छोटू भराला जो हैं उन्होंने कहा कि भैया हमारे इस चैलेंज की वीडियो बनाओ। तो हम बना रहे हैं, छोटू भैया के मम्मा जी हैं जो कि हमें वीडियो बनानी पड़ी। और आज तक हमने किसी भी चैलेंज की कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि हम चाह रहे हैं कि शौक बढ़े ना कि शौक घटे। आपस में देखो लगा लगी मैं जब कटड़े भगे तो आपस में मनमुटाव हो गए, उसमें बहुत कैड़ा मामला हो जावे। पर चलो कोई नहीं, देखो जब मालिक साहब कह रहे कि हमें छोटा भगाना तो भगाऊंगे। तीन किलोमीटर देखो जी अब करवाते हैं ताऊ जी से बात। ताऊ जी एक बार अपना नाम बताओ आप। जयवीर। जयवीर गांव मारकपुर। मारकपुर जिला है जी। जिला मेरठ। मेरठ तो ताऊ जी एक बार बताओ आपका कटड़ा कितने दिन से आयो? कटड़ा कितने दिन से है? कटड़े को हो गया एक महीने के करीब हो गया। एक महीने करीब हो गया। कितने का लाए थे जी आप इसे? इसे नंगोड़ी से लाए थे। नंगोड़ी कितने का? उसे लाए थे रमेश से। रमेश नंगोड़ी का। तो आप ताऊ जी कुछ चैलेंज वगैरह के बारे में बात करना चाह रहे थे, बताओ। हाँ जी किसका चैलेंज, किस पे चैलेंज डाल रहे? किसका क्या बताया चैलेंज किस पे डाल रहे? लांडे गैल। लांडे गैल। लांडे गैल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लिक्की पे छोड़ दो। अच्छा चेंज जैसे छोड़ दो, मतलब कहीं भी छोड़ लो। हाँ। कोई सी भी रोड। और गांव में रेस भी करवा रहे हैं हम 1 तारीख की। कितने किलोमीटर की? हाँ है जी तुम बताओ सचिन भाई। पैसे लांडे के। अच्छा लांडे वाले के राहुल के। अच्छा उसकी बिचौलिया उसका सब चीज उसकी। किलोमीटर? किलोमीटर उसके कितने भी? कितने भी 10 से 20 तक? 1 से 100 तक। 100 तक? 100 तक। चलो जी और कुछ कहना चाहोगे? भूरे भाई का फोन आया था, भूरे भाई का फोन आया था, उसने बोला है उनको 20 नंबर से बाद हम झोटा भगावेंगे। मगर ठीक है भाई बता दिया, नहीं तो फिर हम झोटा में क्योंकि हमारा झोटे करते काम है नहीं। भूरे भाई कौन? भूरा है सदरपुर। सदरपुर का मल जी किया था इस पे। अच्छा अच्छा ठीक है। हां ठीक है भाई लांडे को भगाओ। हां इसे कह रहा लांडे को ठीक है उसका ही खोला चैलेंज है। जब उसका मन करे भगा लेगा, मैं फोन कर देगा। पैसे तो पैसे भी उसी के? पैसे भी उसी के। वो मर गया पैसे भगा तो पैसे, भाईचारे में तो भाईचारे में। अच्छा जैसे उसका मन करे ऐसे भगा लेगा। क्या झोटा बुक्की छोड़ दो? झोटा बुक्की छोड़ देंगे। मतलब उसमें पैसों की वजह झोटा बुक्की छोड़ दोगे? जो कहता है तो भगा लेंगे। प्यार मोहब्बत भगा लेंगे, प्यार मोहब्बत भगा लेंगे। बाईपास है यहाँ है, 2 किलोमीटर नाप तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नाप तो 3 किलोमीटर। समय बता देगा कद भगाना है और अपना बात कर लेगा फोन पे। थवारा का टाइम हो ज्यादा टाइम है तो दिवाली पे नहर पे से छोटेंगे मखदुमपुर लो। हाँ जो भी है मान लो दिवाली पे छोटेंगे झोटे को नहर पे से मखदुमपुर तक अपने पूरे अरमान खान लो। कितना पड़ेगा जी मखदुम से? नहर से पड़ेगा करीब 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर आना जाना हो जाएगा 36 किलोमीटर। चलो जी अब लांडे को खुला चैलेंज है भैया। लांडे वाले का भाई मंटू भाई ने मुझे कहा है हम कल को भगा लेंगे दिन में। मगर ठीक है भाई भगा लियो ठीक है, अपना देख के वीडियो अपना भगा लिया कोई बात नहीं। चलो जी भैया बता दियो भैया का। चलो जी अभी खतरे में थोड़ा जुड़वा गया। तो छोटू भराला जी आप भी कुछ कहना चाहोगे? आप लांडे के लिए फूल हैं? लांडे की तरफ से फूल जहाँ उड़ता हो, जहाँ उड़ता हो कितना उड़ रहा हो? अच्छा अच्छा लांडे के बाबा कोई पता हमें वहाँ से भी लिया लांडा आया। चलो जी छोटू भराला की भी भैया बात पर गौर करियो, ये भी बहुत बड़े मल जी छोटू भराला जी हमारे। चलो जब दिखाते हैं चलता हो कटड़ा सभी भाई देख के कंधे का लगाया बुग्गी बस भाई। ये देखो कटड़ा चल चुका है, कटड़ा शुरू में ही हमने टप्पा पकड़ के चला और जेवड़ा फुल खींच रखा। कटड़ा बढ़ता जा रहा कटड़ा, देखो नाथ जेवड़े का थोड़ा मुझे टाइट सा लग रहा।
उतरने को भी तैयार रहियो, उतरने को तैयार रहियो, रुके ना आयो, बढ़ता जा रहा आयो, चलते रहे भाई। छोटी भाई भैया ने चैलेंज करा लांडे कट्टे को, तो कुछ सोच समझ के करा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कट्टा गर्म दिमाग का बहुत ही ज़्यादा थम नहीं रहा। तो भाइयों चलन दो, अभी तो बहुत दूर है सड़क, चलन दो। अरे चलन दो, छोड़ दो छोड़ दो, मंदा कर मंदा कर। अरे छोड़ दो, खुद उग जाओगे सुधरा। चलता रहे चलता रहे चलता रहे छोटू चलता रहे चलता रहे। अरे छोड़ छोड़ दे, छोड़ दे, कहीं नहीं जाने का, सफा रास्ता है, छोड़ दो, थोड़ी देर खुद मंदर और मंदा कर मंदा 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 कर मंदा कर मंदा कर, उजाओ उजाओ मंदा कर मंदा कर, चलन हाँ कहीं नहीं जाने का, तुम चलन दो मंदा कर मंदा कर मंदा मंदा कर, बस बस। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहीं ना जाने का कहता का बहन, जो थोड़ी देर गुस्सा तो बनाओ भाई, पूरा गुस्सा बना रहा। अच्छा बस बस भाई, वो कट्टा छूट चुका है, कट्टे की स्पीड देखो आप, एक बार नोट करो कितना बेहतरीन स्पीड काट रहा कट्टा, छोटू वो बंदा रख बंदा जाते तू जमा दिखा, छोटू कट्टा देख बंदे चलते रहे चलते रहे, नहीं चल नहीं चल नहीं चल भाई, वो कट्टे की स्पीड देखो कितनी बेहतरीन काट के चल रहा कट्टा, बहुत ही स्पेशल वाली स्पीड, 45 का मीटर मार रहा जी मोटर में देख कर कट्टा, 45 40 भी चला जी कट्टा, बड़े बड़ी क्या कट्टा, कितना बड़ा मीटर में स्पीड बता, स्पीड स्पीड बता मीटर में, 50 चल रहा जी, 50 चला जी, उचल 50 काट रहा जी डिजिटल मीटर में, पूरा स्प्लेंडर का मीटर है जी, जोर देखो कट्टा कितना जोर लगा रहा, चलता रहे चलता है, अंदर मंदा अंदर मंदा, चलता रहे चलता रहे तू चलता रहे, तो अपनी मोटरसाइकिल देखता रहे भाई, देखो कट्टा कितना अच्छा मीटर मार गया और एक ही नंबर की स्पीड काटते कट्टे ने, भाई मैं तो फिर भी एक ही बात कहना चाहूँगा कि गंगा जी ना हो और आम तो प्यार मुहब्बत ना हो, इससे कोई चैलेंज वैलेंज देखो मेरे हिसाब से तो थोड़ा गलत ही है, और आने के बाद भी कट्टे की नाच ही पकड़ के रखनी पड़ती है, अभी इतने जोड़ दिया कट्टा, क्योंकि देखो जब कट्टा मेले में छूटा रहेगा या फिर रखे तो छोटू कहाँ जा रहा है तेरा, तेरे क्या हो रहा, मुझे समझ में तेरे समझ में नहीं आ रही, आज तू दबाव से मारा मुझे लग रहा। देखो भाई कट्टे का रुकते ही मुंह बंद है, कट्टे अभी कुछ फ्रेश है, कट्टे को कोई भी दिक्कत नहीं है जरा सी, कट्टा अभी देखो चाल देखो कितनी अच्छी लग रहा, डिगो डिग भी फुल स्पीड वाली डिगो डिग चला है, जैसा मैंने देखे बहुत से कट्टे बस भगे भगे डिगो डिग पर ही मंदा पड़ जाए, पर लेकिन डिगो डिग भी वही वाली चल रहा, और कट्टे की एक खासियत हो रहा भाई वो बिना मर्जी के भी चल जावे, रात मेले में जब कट्टा गया था तो उसके बाद जैसे कट्टा उन छुटा तो भैया का पेटे का भैया ईंट पर चढ़ गया, ईंट पर चढ़ने के बाद भैया गिर पड़े, कट्टा सीधा अपने बिल्कुल छोटी छोटी गलियों में ऐसे कट्टा पिट्टा बचा के ले गया, हकीकत में मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि कट्टा इतनी छोटी गलियों में पिट्टा बचा के ले जाऊंगा,
जैसे वो कटड़ा ले गया, छुटने के बाद भी देख लो बिल्कुल कटड़ा एकदम फ्रेश है, कटड़े को कोई भी दिक्कत नहीं है। और अभी देखो डिगोडी, तो देखो भाई जिसमें को कटड़ा पिड्ढा काट के ले गया, अभी आपको जगह भी दिखा दूँगा जिस, अब देखो इसमें को मुड़ेगा कटड़ा, अरे यहाँ पे देख लो आप कितनी जगह है, हल्का सा इसमें किनोरी अड़ी देखो बस यहाँ पे दीवार में, और इस गली में कटड़ा पिड्ढा काट के यहाँ से, और बिल्कुल यहीं ले जाकर खड़ा हुआ। और देखो जी कटड़ा सुधा भी बहुत है कटड़े को, देखो जी कटड़े खाने के बाद की वीडियो, कटड़ा एकदम फ्रेश है। चैलेंज बस हमारा लांडे झोटे के लिए, ओनली फॉर और किसी के लिए नहीं है, गांव में बस लांडे झोटे के लिए चैलेंज है भैया, और किसी के लिए चैलेंज नहीं है भैया, कहना लांडे झोटे के साथ ही वाला झोटा बगेगा बस, ठीक है जी। चलो जी, तो सचिन भाई जैसे आप कटड़े पे बैठ का, कटड़े का मीटर कितना था जैसे तुमने मोटे पे देखा, कई भाई कह लगे हैं कि भाई झूठ बोल रहे थे मोटे में नहीं देखा, हाँ मैंने देखा स्प्लेंडर मीटर में 50 का मीटर मार रहा था। तो छोटू भाई तुम्हें कटड़ा कैसा लगा? बढ़िया कर देगा लांडे से की बार, बढ़िया लांडे वाले को उस दिन पता लगेगा, समय बता देगा, आमना सामना होगा। अच्छा अच्छा, चलो जी अब इसकी वीडियो देखियो, बताइयो कैसी लगी सभी भाई।